पांच राज्यों की 824 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इन सभी विधानसभा सीटों में से बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट हॉट सीट बन रही है। यहां पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला है। इस हॉट सीट पर सबकी नजरें तब टिक गई जब दूसरे चरण में मतदान के दौरान जमकर हंगामा बरपा। हंगामा तब बरपा जब शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर कहा कि उन पर खास समुदाय के लोगों ने ऐसा किया। उसका नाम तस्वीर तो पुलिस में थी। उसका नाम तस्वीर कहाँ है, कहाँ सब डिटेल्स देना चाहिए लोकन के लिए और कुछ बोलने के लिए मीडिया पब्लिसिटी के लिए। वहाँ घाट का मीटिंग में नंदीग्राम का टिकट किया तो वोटर को ये करने के लिए प्रेशर इन्फ्लुएंस करने के लिए इतना कोशिश किया था सब उसका नाकाम। भाजपा ने टीएमसी पर हंगामे का आरोप लगाया तो उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हंगामे के लिए भाजपा पर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि दूसरे राज्यों से नंदीग्राम में परेशानी खड़ी करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए गुंडे लाए गए हैं। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ठीक से वोटिंग नहीं होने दे रहे। चुनाव आयोग से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा और असम की 39 विधानसभा सीट शामिल हैं। दूसरे चरण में बंगाल में बरपे हंगामे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल के अगले 6 चरणों में चुनाव किस दिशा में जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पश्चिम बंगाल में चुनाव, पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा हो रही है क्योंकि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। वर्चस्व की लड़ाई टीएमसी जो पिछले कई सालों से वहां पर राज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जमीन पर तलाश रही है और उस जमीन पर एक इमारत खड़ा करना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है पूरे भारत देश को कि हम उस क्षेत्र में भी वर्चस्व बना सकते हैं जहां पर कोई जनाधार अब तक हमारा नहीं था। लेकिन इस वर्चस्व राजनीति में जो जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए थे वो गौण नजर आए। इस राजनीति ने चेहरे को वहां पर देखा, सियासी मोड़ ऐसे वहां पर आए कि हिंसा हुई, लोगों को क्षति हुई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और जब मतदान का दूसरा चरण चल रहा है से हॉट सीट नंदीग्राम में, तो वहां भी इस तरह के हालात से वो इलाका अछूता नहीं रहा। हालात ये तक हो गए कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने प्रत्याशी है, उनकी कार पर पथराव हुआ। इन हालात के बीच में किस तरह की राजनीति वहां पर हो रही है और आज जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो क्या इशारे कर रहा है, बातचीत करेंगे इसी को लेकर। हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोमनाथ करजी, बीजेपी प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ तरुण मुखर्जी जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, और पश्चिम बंगाल की राजनीति के विश्लेषक और जानकार आशीष मुखर्जी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तरुण जी आपके पास आना चाहेंगे। एक ऐसे इलाके में जाने की जो इलाका अब तक बीजेपी से अछूता रहा, कोशिश पहले भी की गई होगी लेकिन इस बार जिस तरह से मुखर होकर बीजेपी ने वहां पर लड़ाई लड़ी है जीत के लिए, आप इस लड़ाई को क्या मानते हैं? क्या इसे वर्चस्व की लड़ाई माना जाए या फिर आप एक अलग एजेंडा लेकर पश्चिम बंगाल में जो आपने वहां पर चुनावी वादे किए हैं उनको लेकर उस पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की राजनीति का उदय करना चाहते हैं? जहां तक यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मेरा प्रणाम। ये सोचना है कि जो चुनाव पश्चिम बंगाल में इस बार हो रहा है वो चुनाव जनता की आवाज है। हम तो सीधे ये कहते हैं कि वहां के जनता की ये आवाज है जिसको हम सुन रहे हैं और उसके उसके मुताबिक हम अपना प्रयास चालू रखे हैं वहां पर। आज पिछले 10 सालों से जो चुनाव वहां पर हुए और उसके जो परिणाम देखने को मिला, ना कहीं कोई डेवलपमेंट आया, नहीं कहीं कोई ऐसी नौकरी मिली, नहीं भूखों को खाना मिला, ना गरीबों को जीने के लिए कोई रास्ता मिला, कोई भी ऐसी सुविधाएं आज पिछले 10 सालों में या इससे पहले 70 सालों में कभी भी नहीं मिल पाया है। तो इन चीजों को देख के एक जनता की आवाज जो सामने आई कि ये आवाज सामने आई कि हमें बदलाव चाहिए और उस बदलाव को लाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव आए और हम जनता को एक अच्छी चीज दे पाए, सुविधा दे पाए, गरीबों को अनाज दे पाए, हर हर व्यक्ति को नौकरी दे पाए, हर जगह डेवलपमेंट हो, इस चीज को, यही मुद्दा है मेरा। इसी मुद्दे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसके अलावा कोई नया कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई इतनी ही है कि जो जनता चाहती है वो हम करना चाहते हैं, जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई नहीं है। पूरी जनता त्रस्त है वहां की एक एक जनता त्रस्त है, उनको खाली दूसरा ऑल्टरनेट चाहिए। ऑल्टरनेट के हिसाब से हम अपने को साबित करना चाहते हैं और इसीलिए मेरे जो एजेंडा है, मेरा पूरा एजेंडा आप कायदे से देख लें, पढ़ लें, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई नजर आएगी। सिर्फ ये रहेगा हम जनता के लिए और जनता के साथ खड़े हैं, बस इतना ही मुद्दा मेरा है बंगाल में। सोमनाथ जी, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं तरुण जी, उनको सुना, क्या ऐसा हुआ वहां पर कि अब तक जिस तरह के हालात किसी राज्य में देखने को नहीं मिले? मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल अपने आप में जिस तरह की हिंसा को लेकर, राजनीतिक हिंसा को लेकर राजनीतिक नक्शे पर अलग तरीके से उभर कर सामने आया है, अभी इसी बार इस तरह के हालात पैदा हुए? इससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे, दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए, इस बार इस तरह के हालात की मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं अलग अलग इलाकों में और उनके पैर में चोट लगी, उसको लेकर अलग तरह की राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। इसके अलावा जो वहां पर प्रत्याशी हैं जो ममता बनर्जी के सामने खड़े हुए हैं उनकी गाड़ी पर पथराव, कई तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इस तरह की जो सियासी चेहरा वहां पर नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ये सियासत को अलग दिशा में ले जा रहा है? सियासत जो होनी चाहिए थी, जनता होनी चाहिए थी, बीजेपी ने हो सकता है गौण किए होंगे। टीएमसी जो वहां पर काम कर उसके पास तो पूरा का पूरा इतिहास
सामने रखने को, उसके आधार पर क्यों चुनाव वहां नहीं लड़ा जा रहा, वहां क्यों राजनीतिक बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गई है? देखिए मैं आपको बताऊं, बंगाल में मैं जब था, मेरा उम्र था 15 साल, ठीक है, और बंगाल की राजनीति में सात साल उम्र से हमने राजनीति में घुमाया, उस टाइम वामपंथ जिंदाबाद था, ठीक है। लेकिन मेरे कहना है ममता बनर्जी आज पूरे भारत में ये भाषा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ये भाषा ममता बनर्जी को उपाधि दिया जाए तो ममता बनर्जी के लिए सूट करता है, क्यों कन्याश्री जो है इनके लिए पूरे वर्ल्ड में से उनको चुना गया था। जब बंगाल में बेटियों को पढ़ाने का 10 क्लास होते ही उनके उनके अकाउंट में 10,000 रुपए है, 12 क्लास होते ही उनके अकाउंट में 25,000 रुपए शादी के लिए, और ये पूरे पूरे देश में जो ये बटा हुआ है, ये तुम कास्ट इस कास्ट के हो उस कास्ट के हो, हमारे बंगाल में ये नहीं है, बंगाल में ये है सिर्फ जेल भर पढ़ोगे तो पैसा मिलेगा, अगर अच्छा पढ़ोगे पैसा मिलेगा नौकरी मिलेगा, बिना पढ़ के आपको, ये सब केंद्र का केंद्र द्वारा दिए गए चीजें हैं। और हेलो सोमना जी, हाँ देखिए बंगाल में कहते हैं भाई तृणमूल गुंडा है, मैं कहना चाहता हूँ कौन पार्टी तृणमूल में, तृणमूल के घर में कौन जन्म लिया है, तृणमूल के घर में कौन जन्म लिया है, तृणमूल का माँ कौन है, ठीक है, तृणमूल का माँ अगर बोला जाता है ममता बनर्जी, उनके पेट से कितने बच्चे जन्म लिए, वामफ्रंट के टाइम से था, कांग्रेस के टाइम से जो भी था, वामफ्रंट के टाइम से जो था, आज ठीक है आज बंगाल पे नजर आ गया भाई, बंगाल बड़ा राज्य है, बंगाल से हमें आज लोकसभा सीट इतना मिला है, लोकसभा पूरा हमें मिल जाए, लोकसभा को देखते हुए अगर बंगाल में सोचेंगे भाई ममता को हटाना है, ममता का हमने लॉकडाउन में देखा है, लॉकडाउन में अभी तक लोगों के घर में राशन बांट रहे, अभी तक उसको देखते हुए बंगाल में है संप्रदाय लड़ाई तो है, लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी ने गरीबों को जो देखा है वो शायद कोई भारत में किसी राज्य में नहीं देखा अभी तक है, जो लोगों के घर राशन तक अभी तक बांट रहे, लोगों घर इलेक्शन से मतलब नहीं है, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से बांट रहे। चलिए आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी अभी जो वर्तमान में जो परसेंटेज आया है, अगर हम पिछले जो आंकड़े हैं उनसे अगर हम तुलना करते हैं उनकी, मेरे ख्याल से एवरेज उससे ज्यादा रहा है इस बार परसेंटेज का, और खासतौर पर नंदीग्राम की अगर हम बात करें, नंदीग्राम में जिस तरह के हालात हुए वहां पर प्रत्याशी मुख्यमंत्री एक तरफ सामने है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो कल तक टीएमसी के दामन में थे लेकिन अब बीजेपी के दामन में चले गए हैं वो सामने खड़े हुए हैं, ये बढ़ता हुआ परसेंटेज क्या इशारे कर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी इसको माना जाए या फिर अब तक जिन मुद्दों को लेकर राजनीति वहां पर हुई है उसका ये असर है? देखिए नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई वापस नंदीग्राम में आ गई है, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है उसमें एक चीज बहुत साफ उभर के आ रही है, अगर मैं तृणमूल की तरफ से बात करूं तो मैं ये कहूंगा एक चीफ मिनिस्टर वर्सेस द एंटायर सेंट्रल लीडरशिप, ये हमारे फेडरल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, क्यों आज पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल की सीटें इतनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाए तो हमने इसको पहले भी चर्चा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव जो दूसरे स्टेट्स में होने हैं, सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, उसमें अगर जीतना है जो कि टफ होता चला जा रहा है क्योंकि वहां पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ी है, वहां पे सोशल जो क्राइम है उसका रेट काफी ऊपर गया है, तो जिससे ये बीजेपी को ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से हम जितना सीटें ले सकते हैं वो हमारे झोली को और भारी बनाएगा। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं दोनों का मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो या जो भी घोषणा पत्र दोनों की आ चुकी है, दोनों नहीं करीब करीब 33%, अगर बीजेपी ने कहा है कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे
तो ममता बनर्जी शुरू से ही कन्याश्री और ये सारी चीजों को कर रही है। अगर पहले ये थी कि ओबीसी में किन किन पार्टियों को लिया, किन किन जातियों को लिया जाए, हिंदू जातियों को, तो ममता बनर्जी ने जब शुरुआत ये करी कि महिषास, तामूल, साहा, तेली इनको ओबीसी में लिया जाए, तो बीजेपी ने भी उस चीज को फॉलो करते हुए ओबीसी में महिषा और तेली को लेना शुरू किया। बीजेपी ने कहा 33% महिलाओं को हम देंगे, उन्होंने कहा 10,000 रुपए हो 25,000 रुपए हम देंगे। लेकिन ये तो मुद्दे हैं, अब ये मुद्दे हट चुके हैं, अब ये लड़ाई ऐसी स्थिति में आके गई है जहां पे ममता बनर्जी कह रही है नंदीग्राम में जाकर कि हमारे वर्कर्स को, हमारे सपोर्टर्स को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। वहां से खड़ी होकर के वो गवर्नर को फोन करती हैं, वो आरोप लगाती हैं कि शिवेंदु अधिकारी ने यूपी और बिहार से गुंडे बुला के वहां पे मकानों में रह करके और वहां उत्पात मचा रहे हैं। इधर बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग ऐसा माहौल बना के चल रहे हैं जहां हमारे साधारण वोटर आकर के बूथ तक नहीं जा पा रहे। तो ये लड़ाई इस स्थिति में आ गई है। मुझे 5 दिन पहले तक दिखाई दे रहा था कि ये कह रही कि टोलाबाजी और तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। ममता बनर्जी कह रही थी कि यहाँ पे बाहरी लोग आकर के चुनाव को वो कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट है, यहाँ पे गैस का रेट है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, ये है। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए, मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हम उन पॉइंट्स पे बात करें जो आम जनता के लिए है। वो नहीं होना चाहिए कि बमबाजी करें। अगर तृणमूल, अगर बीजेपी कहती कि हमारे 328 वर्कर्स मारे गए, तो तृणमूल कहती कि मेरे भी 526 लोग मारे गए हैं, तो ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये क्या उदाहरण हम समाज में दे रहे हैं? और उनसे दे रहे हैं एक तृणमूल कांग्रेस जो लोकल पार्टी है और एक भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये क्या दिखाना चाह रही है? ये हमारे चुनाव किस तेज में चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है आज के डेट में। और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं? अगर ममता बनर्जी कहती है कि वो तो उनका ही एक पार्ट है, अगर ईडी सीबीआई उनका ही अगर एक पार्ट है, तो ममता बनर्जी अपने हिसाब से अपने राज्य पुलिस को, अपने जो भी हथकंडे हैं उसको अजमा रही है। तो ये बढ़ते बढ़ते किस स्थिति में जाएगा और क्या उदाहरण पेश करी गई आने वाले चुनाव में, ये चिंता का विषय है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बगल में जो राज्य है, जो देश है बंगाल, वहां पर जाते हैं और बांग्लादेश जाकर वहां पर जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती है, ये कहा जाता है कि, और इसकी शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग को, ममता बनर्जी ने शिकायत की और ये कहा कि वहां पर उस मंदिर में जाना, मतुआ समाज के लोगों से मुलाकात करना, ये सीधे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए उनका दौरा था। वो जाते, बांग्लादेश जाते, लेकिन वहां पर उन्होंने पर्टिकुलर ग्रुप से मुलाकात की, पर्टिकुलर समाज से मुलाकात की, और उसका बहुत बड़ा वर्चस्व पश्चिम बंगाल में है, बहुत बड़ा वोट बैंक उस समाज का पश्चिम बंगाल में है। इन आरोपों के बीच में आपको लगता है कि इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, वो बीजेपी अपनी जो जमीन तैयार करना चाहती है और अपना जो चेहरा लेकर वहां पर जाना चाहती है, उस रास्ते से थोड़ा सा भटक रही है? जी, अभी तो ये हो चुका है, जैसे अगर आपने बांग्लादेश का नाम लिया, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे। इसमें आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, इसमें सवाल कर रहा था। हाँ बताए जी, तब मेरा ये सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में बांग्लादेश जाते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल के काफी समाज के लोग, वहां मतुआ समाज की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जाते हैं, अगर गलत आरोप लगाया गया है तो फिर इसका जवाब बीजेपी के पास अभी तक क्यों नहीं है कि मतुआ समाज के लोगों से वहां पर जाकर क्यों मिले, क्योंकि वो वोट बैंक को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है टीएमसी। टीएमसी जो आरोप लगा रही है, अगर हम इसी परिचर्चा के तहत अगर हम यूपी बिहार में जाके और यूपी बिहार के बंगाली समुदाय से मिलते हैं, तो हम भी वोट को प्रभावित करने जा रहे हैं। हम ना अपने किसी देश के किसी प्रदेश में सफर करें, ना हम किसी देश में जाएं जाके वहाँ के राजनीतिक हालचाल को देखें। तो हम कहीं भी जाते हैं तो ये होता है कि हम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं। अरे, बंगाल के चुनाव में जो हिंसा हो रहा है,
इससे पहले तो आप कहते थे कि यूपी बदनाम है, बिहार बदनाम है, पंजाब बदनाम है, वहां मारपीट होता है, वहां पर हिंसा होती है। आज बंगाल में ये चीज पिछले 10 सालों से क्यों हो रही है, क्यों 10 सालों से? अब यूपी में अभी आशीष जी ने कहा है कि यूपी में जो है क्राइम रेट बढ़ रहा है, यूपी में क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्रिमिनलों का इनकाउंटर हो रहा है, क्रिमिनलों को पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उससे क्राइम रेट बढ़ नहीं रहा है। जनरल पब्लिक में कोई आतंक नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा आतंक नहीं है कि जनरल पब्लिक परेशान हो। हाँ, आज जहां भी बीजेपी का राज है या जिस राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कहीं भी हिंसा का तो इतनी खबरें नहीं है। तो हिंसा बीजेपी जाके अगर बाहर से करती है, बाहर मतलब क्या होता है, अगर बंगाल के बाहर के लोग जाके बंगाल में व्यापार करते हैं तो वो बाहर ही नहीं है। हाँ, अगर बंगाल के बाहर के लोग बंगाल में जाके व्यापार करते हैं तो वो बाहर ही नहीं है। हाँ, और अगर वो चुनाव में जाके खड़े हो जाते हैं वही व्यापारी, तो वो बाहर के लोग हो गए। ममता जी कितने छोटे टुकड़ों में इस बंगाल को बांटना चाहती हैं, बंगाल को क्या देश की मुख्य धारा से अलग करना चाहती हैं, पश्चिम बंगाल को? ये उनकी मंशा अगर है तो ये मंशा तो सफल होने नहीं देगी बीजेपी। बीजेपी के वहां के जनता भी बीजेपी का है और वह इस देश का नागरिक है, हम ये मान के चलते हैं। चुनाव को लेकर आप सवाल उठाना चाह रहे हैं कि जो योजनाएं केंद्र की तरफ से लागू की गई थी उनको पश्चिम बंगाल नहीं चल रही है? हमारी स्टेट में ऑलरेडी पहले इससे जुड़ी हुई इस तरह की ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है, तो फिर केंद्र की अलग से योजना की कहां जरूरत है? तो इसमें गलत है। ठीक है, अगर फायदा ही देना था तो उसी योजनाओं को और आगे केंद्र के साथ मिलकर बढ़ा के उसको और फायदा देते। फायदा तो उन्हीं के जनता को होनी थी, उन्हीं के प्रदेश के लोगों को होनी थी। किसने मना किया था? क्या केंद्र ने कहा था कि नहीं? उठता है इसमें मेरा एक सवाल उठता है, केंद्र की तरफ से राशन की जो योजना थी, दिल्ली की मैं बात करना चाहूंगा, उदाहरण है दिल्ली का, उस योजना को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने यह कहा कि हम उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ घरों तक लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, वही गेहूं है जो केंद्र सरकार के मद से मिल रहा है, हम सिर्फ उसको पीस कर साफ करके लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप एक बात को लागू करना चाहते हैं तो फिर उसी तरह से आप दिल्ली में क्यों नहीं देखते इस बात को कि दिल्ली में भी केंद्र की जो योजना थी उसी को तो आगे बढ़ा रहे थे, फिर क्यों उस पर रोक लगाई गई? नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं कि बोरा बोरा खाली करके दूसरा बोरा अपने पार्टी का छपवा के उसमें वही माल डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है हमारे सरकार की तरफ से दिया गया, प्रदेश सरकार की तरफ से। केंद्र ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं जिसमें केंद्र के गोडाउन माल को गोडाउन से निकाल के और स्टेट के गोडाउन में उसको रीपैकेजिंग किया गया और उसके बाद पब्लिक में छोड़ा गया। तो इस तरीके से करके अगर वो की है तो वो सिर्फ चाहती है कि मैं और मैं हूँ, पूरा देश उनके साथ नहीं है, मुख्य धारा में वो जोड़ना नहीं चाहती है देश के। हाँ, देश के डेवलपमेंट को, गरीबों के उन्नति नहीं चाहती है, इसका मतलब वो सिर्फ अपना और अपना सोचती है। इस तरीके से व्यक्तिगत उस पर कोई चुनाव या राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होता है इस भारतवर्ष में। ये गलत परंपरा आ रही है जो कि क्षेत्रवाद के हिसाब से व्यक्तिगत सिर्फ हो रहा है। तरुण जी ने जो कहा, लेकिन मेरा एक सवाल उठता है, आखिर क्या जरूरत पड़ी उस बात का जिक्र करने की कि गोत्र तक इस पूरी लड़ाई को ले जाया जाए? क्यों शांडिल्य गोत्र बताने की जरूरत वहां पर मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को पड़ी? जो मुद्दे चलने थे, जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी चाहिए थी, उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाते? नहीं, मैंने तुष्टीकरण की राजनीति आज तक की है, आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। उस तुष्टीकरण की राजनीति को जो वो करती आई है उसको किसी तरीके से हटके वो हिंदू पक्ष में जाने के लिए अपना गोत्र बताई है। से मेरा ये सवाल है, सोमनाथ जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बताइए। ये सवाल था कि आखिर कहां जरूरत पड़ी मुद्दों से अलग हटकर अपने गोत्र का वहां पर चुनावी अभियान के दौरान जिक्र करने की? देखिए, गोत्र क्या होता है, ये राजनीति जब आता है ना, सभी चीजें याद आता है, सभी चीजें याद आता है, किसी को अपने जाति से निकाल के लाते हैं, कोई गोत्र से निकाल के लाते हैं। तो ये गोत्र का तो मेरे को तो इतना नहीं समझ में आया। और बाकी एक बात बताऊं, अभी भाई साहब बता रहे थे बंगाल को उन्नति कराना है, ठीक है, बंगाल के लोग बाहर है, हम भी बाहर है, आज राजस्थान में 4 लाख बंगाली है, ठीक है, और कलकत्ते में बड़ा बाजार भवानीपुर में पूरा बाहर के लोग है, कोई बंगाली वहां कम मिलेगा। गरीबी जरूरी नहीं है सिर्फ बंगाल में है, राजस्थान के लोग कितने गुजरात जाए हुए, राजस्थान के लोग कितने बाहर जाते हैं, क्यों वो किस लिए जाते हैं, वो गरीबी नहीं है, वो गरीब है इसीलिए तो जाते हैं ना। नहीं, उन्होंने बोला बंगाल को गरीबी मिटाना है बंगाल से, लेकिन गरीबी पूरे भारत में है, सिर्फ बंगाल में नहीं है। आप ये लॉकडाउन में पता कीजिए गुजरात से कितने लोग पैदल पैदल घर आए राजस्थान,
ठीक है आशीष जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती हैं विपक्ष के नेताओं को और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष का पूरा साथ मांग रही हैं। इन सब हालात के बीच में इस चिट्ठी का उन लिखा जाना और मतदान जो हो रहा है नंदीग्राम सीट पर जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं, उससे ठीक एक दो दिन पहले इस चिट्ठी का लिखा जाना, क्या लगता है आपको टीएमसी में क्या अभी कोई डर नजर आ रहा है या फिर आप इसको विपक्ष को एक साथ लेकर और इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को ले जाने की ममता बनर्जी की कोशिश मानते हैं आप इसे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर है। कंजीनियल एटमॉस्फेयर मतलब ये सहज सा एटमॉस्फेयर है जिसमें उनको लगता है कि आज के डेट में विपक्ष खत्म सा हो चुका है, कांग्रेस में विशेष दम रहा नहीं, कम्युनिस्ट काफी पिछड़ चुका है, सपा बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, एनसीपी के शरद पवार जी आने का वादा किया था पर वो नहीं आ पाए, थोड़े बीमार हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना है तो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और मजबूत विपक्ष अगर अकेले कांग्रेस नहीं दे पा रही है तो सारी पार्टियों को इकट्ठा हो करके एक मजबूत विपक्ष को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक पार्टी डिक्टेटरशिप करने लग जाती है। और जो अभी दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में अब ये लगा है कि हमारे पास कई सारे हथकंडे हैं, हम कैसे भी चुनाव जीत सकते हैं, अगर इन्फ्लुएंस करके पूरे फेडरल सिस्टम को तोड़ करके सारी मिनिस्ट्रीज को हम एक बार किसी स्टेट में भेज करके, हमने देखा है हैदराबाद में जब चुनाव हुआ था, लोकल चुनाव हुआ था, उसमें भी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी जाके भाषण दे रहे थे। इसका मतलब हमें ये जो फेडरल सिस्टम है, बार बार मैं इस चीज को ले रहा हूं, ये टूटता नजर आ रहा है, जो एक देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी का चिट्ठी लिखना कि अब ये हाई टाइम है जब सारे विपक्ष एकत्र होकर के कुछ चीजों का जो सही नहीं है इस गणतंत्र के लिए उसका खिलाफत करें, ये आह्वान उनका था और मुझे इसमें कहीं कोई गलत नजर नहीं आ रही है। जी तरुण जी, फेडरल एजेंसी को पहले भी आरोप लगते रहे, आप अपनी बात कहिएगा, पहले भी आरोप लगते रहे हैं, देखा गया कि जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी उससे आवाज नहीं आ पा रही और ये कार्रवाई संयुक्त तौर पर जोड़कर देखी गई, इसलिए जोड़कर सीधे तौर पर वो ममता थे उसे जोड़ो एमसी को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार कहे जाते हैं, फेडरल एजेंसीज को लेकर बार बार आरोप लगते रहे हैं और ये इस चुनाव से ठीक पहले ही हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्यों ऐसा हुआ, अगर कार्रवाई होती है तो वो कभी भी हो सकती है, उसमें कोई एक राजनीतिक स्तर पर उसको हम क्यों चुनावों से जोड़कर देखें, ऐसे हालात होते क्यों है? नहीं, पूरे प्रश्न तो आपके सुने नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये आपका ये उस तरफ इशारा था कि ये केंद्र के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे ये कार्रवाई फिर से पुनः इस समय जागृत की गई। जिस तरह की भी कार्रवाई हुई या जिस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, हाँ, वो कार्रवाई एक प्रोसेस में चल रही थी और उसका वो एक अलग एजेंसी कर रही थी, उसमें कहीं केंद्र का कोई डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, तो लेकर था ये टाइमिंग और जो टारगेट है ना, जो टाइमिंग थी, हाँ, और हाँ, जिनको निशाना बनाया गया उनको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग टारगेट निर्धारित करने वाले भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये टाइमिंग और टारगेट वो एजेंसी तय करती है जो जांच कर रही है, तो जांच जो कर रही है वो अपने टाइमिंग और टारगेट के हिसाब से वो चलती है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र में हम जो है न्याय तंत्र से लेके और प्रशासन सबके ऊपर अपना टारगेट फिक्स करके बीजेपी चल रही है, तो ये गलत आरोप है। सभी संस्थाएं अपने इंडिपेंडेंट है और अपने तरीके से काम कर रही है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। और तक बात है, आशीष जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि सारे लोग वहीं पे पश्चिम बंगाल में पहुंच के जो है प्रचार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रचार करने हमारे जो मुख्य प्रचारक हैं, जो चुनाव के लिए प्रचारक निर्धारित किया जाता है, जो शेड्यूल बनता है, उसमें जिन लोगों का नाम है वो जाके प्रचार कर रहे हैं और प्रचार ही तो कर रहे हैं, हम तो अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम वो जाके अमित शाह वहां पर कहीं लाठी लेके मारपीट नहीं कर रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहीं लाठी लेके मारपीट नहीं कर रहे हैं, या उनके भाषण में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि उत्तेजना पैदा हो। इस तरीके से उत्तेजना पैदा करने वाली भाषा जो है ममता जी के जबान से निकलता है और वो मन से खुले आम बोलती हैं,
चलिए चीजों को, इन चीजों को आप गलत तरीके से न रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलना चाहती है, किसी को बिखेर के नहीं चलना चाहती है। सब एकजुट होके बहुत बार देख चुके हैं, पुनः वो एकजुट हो जाए और क्या नतीजा निकलेगा वो भी देख पाएंगे। जनता हमारे साथ है, जनता से हम जुड़े हुए हैं, हम जनता के लिए हैं। 2 मई को ये परिणाम सामने आ जाएगा, लेकिन ये सारी बातें ठीक है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर विद्वेष ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों को प्रभावित करता हुआ नजर आए। कोई भी राजनीतिक दल तरह का कोई काम कर रहा है तो लोकतंत्र को और लोकतंत्र के मूल्यों को जिंदा रखने की दिशा में वो काम होने चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो नजर आ रहा है, बीजेपी या टीएमसी की बात नहीं है, लेकिन हर राजनीतिक दल को अब सोचना होगा, नए सिरे से सोचना होगा कि मुद्दों के पीछे, अपनी राजनीतिक लड़ाई के पीछे, अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए या फिर सियासी फायदे के लिए हम एक लिमिट कहां तय करें ताकि उस लिमिट को क्रॉस ना किया जाए, और उस लिमिट क्रॉस करने के पीछे जो आम जनता बिल्कुल दोयम दर्जे पर चली जाती है वो दोयम दर्जे पर ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।